नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानंद टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। मैं आपके साथ विनोद कुमार। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय का है। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत एक्स चुनाव होना है, इसके लिए बैठक रखी गई है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक्स चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए, मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही लगातार चल रहे जमीन विवाद को लेकर हम लोग सख्त हैं। महीने में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को सभी थानों में सीईओ एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा जमीनी विवाद निपटारा कराने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। हम लोग हर महीने 15 दिनों पर जमीनी विवाद को निपटारा करने के लिए अनुमंडलीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच किया जाएगा। बिहार से अमीर आजाद की रिपोर्ट। आज के किस चीज़ की बैठक थे? आज हम लोग दो बैठक कर रहे हैं, हमारे सभी वीडियो सीओ थाना प्रभारी हैं। पहला तो ये है कि भूमि विवाद हर 15 दिन में एसडीपीओ साहब और हम दोनों आदमी मिल के भूमि विवाद की समीक्षा करते हैं। सैटरडे जो जनता दरबार लगता है जिसमें जो जटिल मामले हैं या इनको जो मार्गदर्शन चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग मार्गदर्शन देते हैं और सहयोग करते हैं, उसकी समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। दूसरा हमारा है पैक्स चुनाव। 15 तारीख को पैक्स चुनाव होना है, उसमें कितने पे 107 की कार्रवाई हुई। छातापुर में 5 पंचायत में हो रहा है, त्रिवेणीगंज में 3 पंचायत में, और चुनाव भी उसी दिन होना है। 6:30 बजे शुरू होना है, 4:30 बजे समाप्त होना है, और काउंटिंग भी होनी है उसी दिन शाम में। तो सभी बिंदुओं पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहेगी और क्या हम लोग कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से कराएं, इस पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। और जो आवश्यक निर्देश है प्राधिकार का वो उस हिसाब से हम लोग इनको निर्देशित कर रहे हैं। सरस्वती पूजा के लिए सरस्वती पूजा की हम लोगों की आज वीसी है, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो अभी समीक्षा की जाएगी और फिर उसका गृह विभाग का क्या इसमें एसओपी आता है उसको लेकर के फिर आप लोग को हम अवगत करा देंगे।